औरतें भी ना। लॉरी है, इतनी सारी मिस कॉल्स। सुन, रोने धोने का नाटक शुरू मत करना, सीधे पॉइंट पे आ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सारी कोशिशें कर ली लेकिन नील नहीं मान रहा है। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं किया ना तो नील को पता चल जाएगा कि मिष्टी उसकी बच्ची नहीं है। जूही का राज किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर जूही का राज किसी को भी पता चला तो हमारा एक मोहरा खत्म। कौन है भाई तू? कितनी देर से देख रही हूँ, मेरे घर के चक्कर मारी जा रहा है। ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। तू पुलिस लैब से आया है? जी नहीं, हमारी अपनी लैब है। मिष्टी, मिष्टी क्या हुआ? मिष्टी क्या हुआ बच्चे? आप रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ पुत्र? आप गिर गए क्या? लग गए आपको? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही है? बेटा हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ देखो। आप सुपरमैन को नहीं बताओगे कि क्या हुआ? मुझे लगता है ना डर गई है। नहीं मिष्टी, आप तो डरते नहीं हो, आप तो बहुत बहादुर हो और हम सब है ना आपके साथ। मिष्टी क्या हुआ? अंजय रो क्यों रहे थे आप? मेरी माँ कौन है? क्या हुआ बेटा? वो वाली आंटी मेरी माँ है। मुझे वो आंटी अच्छी नहीं लगती, मुझे सर भी अच्छे नहीं लगते। वो कहती है कि मुझे सर से प्रोटेक्ट करेगी। पर मुझे नहीं चाहिए वो माँ। ये मिष्टी, ये आपसे किसने कहा? रीजन क्या है? हमने कुछ डिसाइड किया था कि हम मिष्टी के सामने कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम सबकी लाइफ कम कॉम्प्लिकेटेड है क्या? पर सच तो यही है ना? अभी ये सब मिष्टी के सामने बात करने की क्या जरूरत है? प्लीज अम्मी, हाँ मैं मानती हूँ तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है और तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। कम से कम मुझे इतनी आजादी तो दो कि मैं अपनी खुद की बच्ची को बता सकूं कि मैं उसकी माँ हूँ। अपनी ये बच्ची से कब क्या कहना है, क्यों कहना है, इसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या तुम दोनों से? सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझना, पर तुम दोनों विद्युत को अरेस्ट करने की जल्दी में मिष्टी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। जब जो करना है आज करना है, अभी करना है, क्यों? हाँ, मैंने बताया मिष्टी को कि मैं उसकी माँ हूँ। पूरे घर में सुबह से पेटर्निटी टेस्ट की बातें चल रही हैं। और नहीं, कभी सोचा है कि अगर विद्युत को पता चल गया कि हम ये सब करें तो वो क्या करेगा हमारे साथ, मेरे साथ, मिष्टी के साथ? आपको सर से डर लगता है ना? मैं बचाऊंगी आपको सर से, और अगर आपने मेरी बातें नहीं मानी ना तो एक दिन सर आएंगे और आपको यहाँ से लेके चले जाएंगे। मिष्टी, 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 क्या हुआ आपको? मिष्टी, बेहोश हो गई है नील। मिष्टी, जूही, मिष्टी, देख लिया, देख लिया आप सबने क्या किया है मेरी मिष्टी के साथ?
एक बार टेस्ट प्लान करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, खुद से टेस्ट प्लान कर लिया। क्या मिलेगा ये सब सच पता कर कर तुम दोनों को? मैं मानती हूँ तुम दोनों ने हमारी जिंदगी बचाई है, वापस हम दोनों की जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो? नहीं जुगी ऐसा, प्लीज अबरी, मैं आप सब के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो विद्युत को अरेस्ट, नहीं करना मुझे उस पे कोई केस वेस। अरे पहले मिष्टी को तो नॉर्मल होने दो। मत करो मिष्टी, मिष्टी ऊपी नील आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकते। बातें कुछ अनकही सी, आज से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। ये लीजिए, हमने इसके लिए मेडिसिंस लिख दी हैं, लेकिन इन मेडिसिंस का असर तभी होगा जब बच्ची पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। इतनी छोटी सी बच्ची पर पैनिक अटैक कैसे हो सकता? नहीं, आप इसके आसपास का माहौल अच्छा रखिए। श्योर डॉक्टर। हेंजल, मुझे क्या हुआ? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? हम बताते हैं डॉक्टर अंकल ने क्या कहा। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि आप ना जरूरत से ज्यादा ही हंसते हो। पर एंजल तो कहती है मैं सेट सेट रहती हूँ। एंजल ऐसा कहती है? एंजल गलत बात। चलो कोई बात नहीं, हम एक गेम खेलते हैं, हम एक दूसरे को टिकल करेंगे, जो सबसे पहले हंसा वो हारा। एंजल भी खेलेगी मेरे साथ? आ जा एंजल। तो हम गेम शुरू करते हैं अब, ओके? सो 1, 2 and 3 मिष्टी अब ठीक है, हम सब मिलके उसका ख्याल रखेंगे, उसे किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं होने देंगे, ओके? और हाँ, मिष्टी का पेटर्निटी टेस्ट अब जरूर होगा। विद्युत के डर से चुप रहना, इस बच्ची को हमेशा डर के साए में रखना होगा, इसीलिए विद्युत को अरेस्ट करना अब जरूरी हो गया है। ओह नो, मेरी तो पूरी प्लानिंग की उल्टी पड़ गई है। ओह गॉड, अब क्या करूं मैं? सर काम हो गया? जी हो गया। औरतें भी ना, लॉरी है, इतनी सारी मिस कॉल्स। सुन, रोने धोने का नाटक शुरू मत करना, सीधे पॉइंट पे आ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मिष्टी का पेटर्निटी टेस्ट अब जरूर होगा। मैंने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन नील नहीं मान रहा है। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो नील को पता चल जाएगा कि मिष्टी उसकी बच्ची नहीं है। तू इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे अब बता रही है? तुमने फोन नहीं उठाया, गलती तुम्हारी है। ओ शट अप, अल्लू को कॉल कर सकते थे ना तुम। यू नो व्हाट,
तू मनहूस है एक नंबर की। और सुन, अगर तू उस नाजायज अमी से हार गई ना तो तू मेरे किसी काम की नहीं। And one more thing. नील की बीवी बनने के सपने छोड़ दे अब। विद्युत जूही का राज किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर जूही का राज किसी को भी पता चला तो हमारा एक मोहरा खत्म। ला, पायल दे। पायल दे हमें। 24 घंटे में मैं अवनी को हरा दूंगा। कैसे हराएगा? हर कदम पर वो लड़की तुझसे आगे। आपके सर की कसम मामूनी, सूरज ढलने तक नील को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी कि वो मिस्टी का बाप नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इसी पायल से मैं अपना गला काट लूंगा। बल्लो, अपने आदमियों को पुलिस लैब भेजो और याद रहे कि आज रात तक खन्ना हाउस में कोई भी रिपोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। वो रहा फॉरेंसिक लैब। नील खन्ना ने डीएनए रिपोर्ट मंगवाया है। इस तरह कछुआ खरगोश से जीत गया। कैसी लगी आपको स्टोरी? आपने तो कहा था ये हैप्पी हैप्पी स्टोरी है, पर ये तो सैड सैड स्टोरी है। सैड स्टोरी कैसे? रैबिट तो सैड होगा ना, उसके पापा उसे डांटेंगे ना। ओ हाँ, मिश्री तो एकदम सही कह रही है। ये सब ना, ये आपको पता नहीं है क्या? ये स्टोरी ना हाफ सैड है और हाफ हैप्पी है। तो सब मेरी गलती है। प्रिंस और प्रिंसेस की कहानी सुनाने के लिए किसने मना किया था? मैंने किया था। हाँ तो ठीक है ना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही स्टोरी है क्या? तो और कौन सी स्टोरी है बताओ? जैसे कि एंजल और सुपरमैन की स्टोरी। एंजल अपने सुपरमैन को कबड्डी मैच में किसी किसी किया था ना? किया तो था। कम ऑन एंजल, कम ऑन। कौन है भाई तू? कितनी देर से देख रही हूँ, मेरे घर के चक्कर मारी जा रहा है। ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। तू पुलिस लैब से आया है? जी नहीं, हमारी अपनी लैब है और नील सर ने हमें अलग से डीएनए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। एक रिपोर्ट तो फॉरेंसिक लैब से आएगी ही, लेकिन ये रिपोर्ट आप नील सर को दे दीजिएगा। मिश्री नील की बेटी नहीं है?